सो यू वेलकम बैक पीपल ऑन अनदर लास्टिक वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द अल्टीमेट वॉर बिटवीन सरीना मिस्टी एंड लिली। सो आज फाइनली उसका लास्ट एपिसोड या बोलो तो पार्ट आ चुका है। तो आज की वीडियो में आप सभी को पता चल जाएगा और इसमें डिसीजन मेरा नहीं है, इसमें डिसीजन ऑडियंस का है। तो हाँ, मैंने एक सरप्राइज पोल रखा था बहुत ही ज़्यादा जल्दी, आज ही डाला था मैंने और उसमें आज ही इतने सारे वोट्स आ गए। और जाके देखोगे तो अभी करीब 100 से ज़्यादा वोट्स होंगे, उसमें शायद या कम भी हो सकते हैं। तो उसका भी बहुत ही ज़्यादा मेन रोल रहने वाला है आज की इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो आज की जो वीडियो होती है वो पिछले दो पार्ट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। और एक बात और, अगर आपने पिछले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो बिना उन्हें देखे वाली वीडियो देखने का आपका कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्या कर रहे हो, जाके पहले वो दोनों पार्ट्स देखो और फिर यहाँ पे ये वाली वीडियो देखने आना। सो आज की वीडियो उन दोनों पार्ट से बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि उसमें जो रूल्स रखे थे हमने वो इसमें बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो गए। जैसे कि उसमें 3 रूल्स थे, बॉन्ड विथ एश, एक पोकेमॉन वर्सेस बैटल और पॉपुलैरिटी। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं और एक स्पेशल भी है जो कि है बॉन्ड विथ एश और पोकेमॉन वर्सेस। सो इसमें पॉपुलैरिटी के मुकाबले में तो तीनों ही इक्वल लेवल पर हैं, क्योंकि वो तीनों की तीनों टॉप 3 में थी इस वाले चार्ट में जो कि मैंने फाइनली ढूंढ लिया है अपने 2-3 दिन की मेहनत के बाद। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन ज़्यादा ऊपर है और कौन ज़्यादा नीचे है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन तीनों में, इसलिए पॉपुलैरिटी के मुकाबले में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कब किसकी पॉपुलैरिटी घट जाए और बढ़ जाए ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलैरिटी नहीं होगी। और जो स्पेशल पॉइंट है वो है जो मैंने पोल रखा था उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि उसमें कौन जीती है। सो अगर आपने पोल नहीं करा है तो कोई बात नहीं, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वीडियो तो अब आ चुकी है, फिर भी आप जाके वोट कर सकते हो उस पोल में। सो सबसे पहले पॉइंट है 3 vs 3 पोकेमॉन का, यानी कि उन तीनों के पोकेमॉन आपस में तीनों से लड़ेंगे। जैसे मिस्ट्री सरीना से लड़ेगी और लिली से भी लड़ेगी, वैसे ही लिली सरीना से लड़ेगी और मिस्ट्री से भी लड़ेगी, और वैसे ही सरीना लिली से लड़ेगी और मिस्ट्री से लड़ेगी, और इनके पोकेमॉन एक ही रहने वाला है। तो लिली के पास है उनका वल्पिक्स जो कि अलोला फॉर्म में है, और फिर सरीना के पास है उसका फैनिकिन, और फिर मिस्ट्री के पास है उसका साइडक जो कि एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है। सो सबसे पहले पोकेमॉन वर्सेस बैटल करें सरीना वर्सेस मिस्ट्री की। तो यहाँ पे फैनिकिन वर्सेस साइडक होता है, तो यहाँ पे साइडक जीत जाएगा, और उसका रीज़न है वो एक वाटर टाइप और प्लस साइकिक टाइप पोकेमॉन है, और वाटर टाइप प्लस साइकिक टाइप एडवांटेज रखता है फायर टाइप पर, इसलिए यहाँ पे मिस्ट्री जीत जाएगी फर्स्ट राउंड फर्स्ट बैटल। और बात करें बॉन्ड विथ एस की इन दोनों में का, तो बॉन्ड तो बहुत ही ज़्यादा दोनों का ही एक से बढ़कर एक बॉन्ड अच्छा है एस के साथ, मगर फिर भी ये इनमें से किसी को एक को जीतना ही होगा, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट जाता है सरीना को। और वो क्यों, क्योंकि सरीना को एस पर तब से ही क्रश था जब वो बच्ची थी करीब 5 या 6 साल की, और ये हमें खुद सरीना ही ने ही बताया था पोकेमॉन एक्स वाई के कुछ स्टार्टिंग एपिसोड में, जब प्रोफेसर ओक ने एक कैंपेन रखा था जिसमें सरीना भी आई थी और ऐश ने उसकी मदद करी थी जब वो पोकेमॉन से डर के भाग रही थी, और तभी से मिस सरीना उसे जानती है ऐश को। तो बॉन्ड के मामले में तो यहाँ पे सरीना थोड़ी ज़्यादा ऊँची है, ऊपर रहती है, इसलिए यहाँ पे सरीना को एक पॉइंट जाता है। तो मिस्ट्री और सरीना को एक एक पॉइंट हो गया। अब बचा है वो सीक्रेट पॉइंट, वो जिसको मैं लास्ट में ही रिवील करूँगा। तो अब बारी है मिस्ट्री वर्सेस लिली की। तो यहाँ पे वर्पलेक्स वर्सेस साइडक होगा, तो यहाँ पे जीत जाएगी वर्लपिक्स, क्योंकि वो एक आइस टाइप पोकेमॉन है और आइस टाइप पोकेमॉन वाटर टाइप पर एडवांटेज रखते हैं। और अब कई लोग सोचेंगे ये कैसे, तो भाई गूगल पे जाके सर्च कर लो, मुझ पे यकीन नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जाता है लिली को। और बॉन्ड विथ एश में मिस्ट्री यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली जीत जाती है, और जिसका रीज़न मैंने पिछले पार्ट में भी दिया था, क्योंकि उसके उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एश का उसके साथ। और थर्ड बैटल जो होगी वो देखने के लिए मिल जाएगी।
सो अब बारी आती है सरीना वर्सेस लिली की, जो कि फाइनल बैटल है। तो फाइनल बैटल में फेनेकन वर्सेस वल्पिक्स होगा, तो यहाँ पे फायर टाइप एडवांटेज रखता है आइस टाइप पर, तो यहाँ पे फेनेकन जीत जाएगी। और अब बात करें बॉन्ड विथ एश, तो बॉन्ड विथ एश का पॉइंट भी सरीना को ही जाता है, और रीज़न क्योंकि वो उसको बहुत ही ज़्यादा पुराने से जानती है, जबकि उसने मिस्टी को हरा दिया है बॉन्ड विथ एश में, तो लिली भी हार जाएगी, और लिली तो बहुत कम टाइम से जानती है एश को। तो अब बात करें वो सीक्रेट पॉइंट का, तो वो पोल ये रहा आपके सामने। सो यहाँ पे मोस्टली पीपल ने सरीना को वोट करा है, तो थर्ड पॉइंट जो कि जाता है वो है सरीना को। तो यहाँ पे सरीना मिस्टी से भी जीत गई और लिली से भी जीत के बनती है एश की वाइफ, इन फ्यूचर बन सकती है। वैसे अगर कोई बनना होगा तो वो तो पोकेमॉन कंपनी ही डिसाइड करेगी कि कौन बनेगी एश की वाइफ। तो वैसे तो हमारे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग गाली मत देना, क्योंकि आपका ही ऑडियंस पोल रखा था मैंने ताकि आपके अकॉर्डिंग ही हो, तो डिसलाइक मत कर देना वीडियो को। तो यहाँ पे सरीना जीत गई है, इसलिए सरीना को बहुत बड़ा वाला कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब इनके साथ ये हो ना हो वो पोकेमॉन कंपनी पर डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही थी, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद और वंदे मातरम।